गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम के बाद अपना न्यू स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट में लीफ। ओके, नाउ लीफ समझने से पहले आप लीफ का डायग्राम पहले देख लें, ठीक है। नाउ ये डायग्राम थोड़ी देर में समझेंगे पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम हैंडमेड डायग्राम से लीफ का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है, अबाउट द लीफ। नाउ लीफ आर फ्लैटेन स्ट्रक्चर। यस, आपको सभी पता है कैसा है ये फ्लैटेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लैटेन स्ट्रक्चर है और इसका थिकनेस बहुत ही कम होता है। फ्लैटेन स्ट्रक्चर अटैच्ड एट नोड्स ऑफ स्टेम के नोड्स पे ये लीफ अटैच रहता है। एक बात ध्यान दीजिए, लीफ का डेवलपमेंट कहां होता है, लीफ का डेवलपमेंट कहां होता है, स्टेम पे होता है, वो भी कहां पे, एट नोड्स। आपको ऑलरेडी पता है स्टेम में, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, नोड्स होता है और इंटर नोड्स होता है। इसी नोड्स पे पहले एक लीफ प्रिमोर्डिया का डेवलपमेंट होता है। यस, लीफ प्रिमोर्डिया ही आगे चल के फुल फ्लेज लीफ बनाता है। ये लीफ प्रिमोर्डिया जो है आगे चल के आपका फुल फ्लेज लीफ बनाता है। चलिए लीफ बनाते हैं। ओके, ना ये मान लीजिए नोड्स है, ये नोड्स और इंटर नोड्स में आपको दिखाऊंगा अभी। ये क्या है, नोड है, ये आपका नोड है, ना नोड और ये वाला एरिया इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ लीफ, ठीक है। ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिल ऑफ लीफ। और इस एक्सिल ऑफ लीफ में बड पाया जाता है, क्योंकि एक्सिल ऑफ लीफ में बड बहुत सारा तरह का होता है। बड मतलब होता है एक चाइल्डहुड स्ट्रक्चर, ठीक है, आप बोल सकते हो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, या चाइल्डहुड स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जो बाद में जाके कोई स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाएगा। हो सकता है ये स्टेम का डेवलपमेंट करवाए, ओके, या ब्रांचेस का डेवलपमेंट करवाए, सॉरी स्टेम नहीं, स्टेम का ब्रांचेस का डेवलपमेंट करवाए। सो दिस बर्ड इज नोन एज, चूंकि एक्सिल में आता है, एक्सिलरी बर्ड, बहुत सारा तरह का बर्ड होता है, आपने नाम सुना हुआ है, एपिकल बर्ड, टर्मिनल बर्ड, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन अलग अलग बर्ड का अलग अलग नाम होता है। ओके, चूंकि ये एक्सिस ऑफ लीफ में पाया जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड। बाद में जाके ये ब्रांचेस का फॉर्मेशन करवा सकता है, इट मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। आप एक बात और देखिए, ठीक है, नाउ ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। नाउ ये लीफ बेस क्या चीज है, यस, दैट मींस पेटियोल का जो है ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेटियोल। इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल, मतलब ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, या आप बोल सकते हो इसको स्टॉक ऑफ लीफ, इसको आप बोल सकते हो स्टॉक ऑफ लीफ, ये पेटियोल होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा माइल्ड इलास्टिक होता है, पूरा टॉट नहीं होता है, ठीक है। इट होल्ड द लीफ, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, लचीला होता है, थोड़ा इलास्टिक होता है, इलास्टिक होने की वजह से अलाउज लीफ टू फ्लटर अलाउज
लीफ टू फ्लटर लीफ को फहराने में हेल्प करता है। नाउ अगर लीफ फहराता है ठीक है, दैट मीन्स लीफ हिलता है, इससे क्या फायदा होता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट ब्रिंग्स फ्रेश एयर टू द सर्फेस, इससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है लीफ फ्लटर करने की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ता है और कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है प्लांट में, ठीक है। सो इलास्टिक की वजह से, फ्लटरिंग की वजह से क्या होगा? फ्लटरिंग की वजह से क्या होगा? ब्रिंग्स फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, ब्रिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, जो कि क्या करता है, इंक्रीजेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिससे क्या फायदा होता है, इंक्रीज्ड कूलिंग इफेक्ट, जिससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। नाउ ये लीफ बेस जो है, ठीक है, कुछ प्लांट में लीफ बेस क्या होता है, अटैचमेंट टू स्टेम। कुछ प्लांट्स आप देखो, कुछ मोनोपोड्स में आपने देखा होगा लीफ बेस एक्सपैंड, ये जो होता है लीफ की तरफ थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है। आपने गन्ने का अगर पेड़ देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा लीफ बेस एक्सपैंड टू फॉर सीथ लाइक स्ट्रक्चर। ये सीथ हो सकता है स्ट्रीम को पार्शियली या फुल्ली कवर्स स्टेम फुल्ली और पार्शियली कवर्स द स्टेम फुल्ली और पार्शियली, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ प्लांट्स में ये जो लीफ बेस है, कुछ प्लांट के केस में लीफ बेस जो होता है स्वेल हो जाता है, लीफ बेस जो होता है कुछ प्लांट में गेट स्वेल। कौन से प्लांट में? लेगुमिनस प्लांट में ये लीफ बेस जो होता है स्वेल हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं पल्विनस। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पल्विनस, ठीक है। पल्विनस इसका मतलब क्या हो गया? यस, लीफ बेस जो होगा वो स्वेलन हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पल्विनस, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिया भैया? हमने पढ़ा पेटियोल थोड़ा सा इलास्टिक होता है, लचीला होता है, जो कि फ्लटर करता है, फ्लटरिंग की वजह से नया एयर लीफ सरफेस पे आता है, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ता है और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ने से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। नाउ लीफ बेस जो होता है अटैच होता है स्टेम पे, कहां अटैच होता है, वो भी नोड्स में अटैच होता है, कहां पे, नोड्स में अटैच होता है, और ये कुछ प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, या पार्शियली या फुल्ली उस स्टेम को कवर करता है। कुछ प्लांट्स में, लेगुमिनस प्लांट में लाइक ये स्वेल्ड हो जाता है और इसको हम लोग जो स्वेल्ड एरिया है उसको हम बोलते हैं पल्विनस, ठीक है। अभी डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। और एक्सिस ऑफ लीफ जो होगा, ये जो एरिया है इसमें बर्ड पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। ये बाद में जो है ब्रांचेस का फॉर्मेशन करवाएगा। ना ये एरिया जो आप देख रहे हो, आप इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना, ठीक है, या लीफ ब्लेड आप बोल सकते हो, लीफ ब्लेड। चलो कुछ डायग्राम हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए, जैसे मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ लीफ में, ये आप देख रहे हो यहां पे एक लीफ का ओरिजिन हुआ है और यहां पे एक लीफ का ओरिजिन हुआ है। दैट मीन्स दीज टू आर नोड्स
These two are nodes. ये दोनों क्या है? Nodes हैं. ये दोनों क्या है? Nodes हैं. और ये एरिया जो देख रहे हो, ये एरिया जो देख रहे हो, ये है आपका, ये एरिया जो है आप देख रहे हो, ये है आपका इंटरनोड, इंटरनोड. और ये देखो आपका क्या है? यस, पेटियोल. ये पेटियोल है. ये आप क्या देख रहे हो? यस, लीफ ब्लेड. और ये क्या है आपका? यस, मार्जिन ऑफ लीफ, जिसका स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. आपको तना दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है. और ये देखो, ये जो एंगल है, यस, एक्सिल ऑफ लीफ. एक्सिल ऑफ लीफ में एक बर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सिलरी बर्ड. एक्सिलरी बर्ड. ये डायग्राम भी देख लो, ठीक है. कुछ प्लांट्स में यहाँ पे स्केल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल्स. जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल्स. आप ये डायग्राम भी देख लीजिए. ये आपका क्या है? लैमिना है, ठीक है. अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको छोटा छोटा आपने इधर देखा होगा, स्टिप्यूल्स दिखेगा. चलिए हम आपको पल्विलस दिखाते हैं, ठीक है. ये देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे हैं. लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड जो होता है, लीफ ब्लेड जो होता है यहाँ पे, लीफ ब्लेड जो होता है, सॉरी, लीफ बेस जो होता है यहाँ पे स्वेलन हो जाता है, ठीक है. स्वेलन हो जाता है. अगर आप मैंगो भी देखोगे, ठीक है, मैंगो का पत्ता, कभी आम का पत्ता आपने तोड़ा होगा, तो वहां पे आप देखोगे, वहां पे आपको इस तरह से प्लांट मिल सकता है, पल्विनस मिल सकता है, ठीक है ना. एक बात और देखिए, ये मेनली पल्विनस कहाँ पाया जाता है? लेगुमिनस प्लांट. अगर आप देखोगे, लेगुमिनस प्लांट देखोगे, वहां पे जरूर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि लीफ बेस जो है वो स्वेलन हो गया है. लीफ बेस जो है स्वेलन हो गया है ना. लीफ ब्लेड जो है, लीफ बेस जो है, देखो ये आपका लीफ ब्लेड है, लेकिन ये देखो, ये लीफ बेस जो है वो एक्सपैंड कर गया है. लीफ बेस जो है एक्सपैंड कर गया है और एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं सीट, ठीक है. पार्शियली या फुल्ली ये स्टेप को कवर करेगा. आपको ये सब डायग्राम देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है विजुअलाइजेशन. जितना चीजें आप डायग्राम देखोगे उतना मेमोरी में फिट होगा, उतना मेमोरी में फिट होगा. मैं हैंडमेड डायग्राम से भी समझा सकता हूँ, लेकिन उतना आपके दिमाग में नहीं बैठेगा. इसलिए मैं सारे डायग्राम आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक है. चलिए कुछ और लीफ का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, कहीं कुछ और हमें देखने को मिले, ठीक है. यहाँ पे पेटियोल का डिस्कशन हमने किया है, फिर वेनेशन, इसको हम आगे आते हैं. पहले हम लीफ ब्लेड को डिस्कस कर लेते हैं, ओके. आपने शायद लिख लिया होगा, तो इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, ओके. सो दैट वी हैव द एरिया टू डिस्कस द लीफ. सो ये एरिया जो देख रहे हो, ये एरिया जो देख रहे हो, ये आपका है लीफ, लीफ ब्लेड. ये एरिया जो आप देख रहे हो, ये है आपका लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड, ठीक है ना. ये जो आप मोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं मिडरिब, ठीक है ना. ये मिडरिब, ये मिडरिब जो है, ये मिडरिब जो है, ये फर्दर डिवीजन करता है. ये मिडरिब जो है, वहां से फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं इस तरह से, यस. इसको हम लोग बोलते हैं वेन्स. इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेन्स, वेन्स. अब इस वेन से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, इस वेन से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेनलेट्स. फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, यस, वेनलेट्स, ठीक है ना. ये मीड, ड्रीम, वेन और वेनलेट, ठीक है, ये जो होता है ऑलमोस्ट काम करता है, यस, स्केलेटन फॉर द लीफ, स्केलेटन फॉर लीफ, स्केलेटन फॉर लीफ. That means, एक तरह से हम बोल सकते हैं, लीफ को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लीफ को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. That means ये बोल सकते हैं maintains rigidity. लीफ में ये रिजिडिटी मेंटेन करता है. लीफ में ये क्या करता है?
रिजिडिटी मेंटेन करता है, प्लस इतना ही नहीं ये लीफ में जो है वाटर और मिनरल कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल, वाटर मिनरल प्लस फूड कंडक्शन, जितना भी कंडक्शन पाथवे है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, यस जाइलम प्लस फ्लोएम, दैट मींस इसके अंदर क्या पाया जाता है, यस कंडक्टिंग टिश्यू, दैट मींस जाइलम एंड फ्लोएम, इसके कारण ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मिनरल न्यूट्रिएंट्स करवाता है। ओके, नाउ मिनरल्स कहां से कहां जाएगा, यस सॉलिड टू लीफ ब्लेड, और यहां से फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय मीन्स ऑफ मिडरी वेन और वेनलेट से, बाय मिडरी वेन और वेनलेट से। चलिए चलिए फिर आते हैं हमारा वही वेनेशन, ठीक है। वेनेशन मतलब होता है, वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ इज नोन एज वेनेशन। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो वेन्स जो है मिड रिब के पैरेलली रन कर रहा है, ठीक है, मिड रिब के पैरेलली रन कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है, यस। अब देखो लेकिन यहां पर पैरेलल वेनेशन होने के बाद अगर इसको जूम करके देखोगे इस तरह से यहां पे जाल बन जा रहा है, यस यहां पे जाल बन जा रहा है वेनलेट्स का, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेटिकुलेट वेनेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरेलल वेनेशन। चल फटाफट हम लोग नोट बना लेते हैं अपना वेनेशन के ऊपर। डायग्राम तो आपको क्लियर है, यस वेनेशन का मतलब है यस अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड एज व्हाट, वेनेशन, ठीक है ना। अब ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होगा, नोट्स आपका सुंदर होना चाहिए एज वेल एज मल्टी कलर होना चाहिए ताकि आपको याद करने में हेल्प हो। दो तरह का होगा, एक होगा रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, और यहां पे एक होगा पैरेलल वेनेशन, ठीक है। यहां पे क्या होगा, वेन एंड वेनलेट अगर है, वेन एंड वेनलेट रन्स पैरेलल टू मिड रिब के पैरेलली रन करता है, मिड रिब के पैरेलली रन करता है, ठीक है। अगर हम आप डायग्राम भी बना लें याद रखने के लिए, इस तरह से ये मिड रिब हो गया और ये आपका वेन्स हो गया, ये पैरेलली होगा। एग्जांपल्स है इसका, यस मोनोकॉर्ड्स में, मोनोकोटिलेडन्स में, मोनोकॉर्ड्स में ऐसा पाया जाता है, मोनोकोटिलेडन्स प्लांट में ऐसा पाया जाता है, मोनोकोटिलेडन्स प्लांट में ऐसा पाया जाता है। नाउ रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, यहां पे वेन्स फॉर्म्स नेटवर्क, यहां पे एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, अगर ये आपका लीफ है तो इस तरह से एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। सो यहां पे नेटवर्क बना दे रहा है और ये कहां पाया जाता है आपका, यस डाइकॉट प्लांट में, ये कहां पाया जाता है आपका डाइकॉट प्लांट में। सो पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, यस पैरेलली रन करता है, लेकिन लेकिन लेकिन
रेटिकुलेट मेंशन में क्या होगा, यस ये एक नेटवर्क बना लेता है। फटाफट नोट डाउन करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फटाफट नोट डाउन करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ लीफ, अबाउट द टाइप्स ऑफ लीफ। ओके दो मिनट दे रहा हूं फास्ट। ओके फटाफट 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 हो गया। चलो नाउ अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ लीफ का। टाइप्स ऑफ लीफ जो होता है दो तरह का लीफ होता है, एक सिंपल लीफ होता है, कंपाउंड लीफ होता है। आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश पहले हम लोग हैंड में डायग्राम से समझेंगे। ओके उसके बाद इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। देखें नोट्स में ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, टाइप्स ऑफ लीफ में जैसे बताते जा रहा हूं वैसे आपको लिखते जाना है। यस टाइप्स ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ लीव्स दो तरह का लीव्स होगा। एक होगा आपका सिंपल लीफ एंड दूसरा होता है आपका कंपाउंड लीफ। एक होगा आपका सिंपल लीफ एंड दूसरा होता है आपका कंपाउंड लीफ, ठीक है। सिंपल लीफ में देखो एक्चुअली ये डिपेंड किसके ऊपर, किसके ऊपर करता है, टाइप्स ऑफ लीफ है डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड करता है जो लीफ ब्लेड है, जो लीफ ब्लेड है उसका इंसिजन कैसे हुआ है, स्प्लिटिंग कैसे हुआ। आप नहीं समझ रहे हो ना, देखो देखो मान लो ये पूरा लीफ है, ठीक है लीफ है तो अच्छा इसको फिर से बनाते हैं लोग। मान लो ये लीफ है, यहां देख रहे हो लीफ ब्लेड में क्या आया है, डिप्रेशन आया है। ये लीफ ब्लेड में डिप्रेशन नहीं है तो ये देखो मार्जिन्स ऑफ लीफ जो है, मार्जिन्स ऑफ लीफ आर इंटैक्ट, या तो इंटैक्ट होगा या तो कंटिन्यूअस होगा या तो टोटल स्मूथ होगा, कंटिन्यूअस होगा और पार्शियली इंसाइज्ड, और लीफ ब्लेड जो होगा या मार्जिन जो होगा या तो इंटैक्ट होगा या तो पार्शियली इंसाइज्ड होगा, या तो पार्शियली इंसाइज्ड होगा। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होगा, ये इंसिजन ये डिप्रेशन बढ़ते 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 मिड रीफ तक पहुंच जाएगा। कंपाउंड लीफ में ये बढ़ते बढ़ते मिड रीफ में पहुंच जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते मिड रीफ में पहुंच जाएगा, जिसके कारण ये लीफ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने नीम का पेड़ देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा तो कुछ ऐसा ही होता है, नीम का पेड़ बोला हो, नीम का पत्ता देखा होगा कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स लीफ ब्लेड इज इंसाइज्ड। कुछ लोग बोलते सर मैं तो लीफ ब्लेड खाया हुआ, नीम का पत्ता खाया भी हूं, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है आपने नीम का पत्ता खाया है कि नहीं खाया। मैंने खाया, बहुत तीखा होता है यार, खाया नहीं जाता, ठीक है, अगर आप लोग खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नाउ लीफ ब्लेड इज इनसाइज अप टू मिड रिब। अरे यार ये क्या हो गया, वेट एन आवर। ओके थैंक गॉड बच गए हम लोग। लीफ ब्लेड इनसाइज अब टू मिड रिब तक लीफ ब्लेड का इंसिजन हो गया है। लीफ ब्लेड का इंसिजन कहां तक हो गया है, अप टू मिड रिब हो गया है। ओके इज इट क्लियर, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। यस कंपाउंड लीफ में लीफ ब्लेड इनसाइज अप टू मिड रिब, ठीक है। नाउ तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। नाउ अब ये कंपाउंड लीफ का फर्दर दो टाइप है, ये कंपाउंड लीफ का जो है ये फर्दर दो टाइप है, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड दूसरा है यस
permanently कंपाउंड लीफ, दो तरह का लीफ हो गया है, यस पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ, क्या चीज है भला पिनेटली कंपाउंड? ठीक है, आपको पता है पिना क्या होता है, पिना का मतलब एक्सटर्नल ईयर, ये हमारा क्या है एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है ना भाई पिना, ठीक है, तो ये क्या है पिना है, पिना अगर देख रहे हो यस एक दूसरे के अपोजिट लोकेटेड है लेकिन एट द सेम पोजिशन, एट द सेम नीचे से सेम डिस्टेंस पे है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट मींस देखो दैट मींस क्या होगा सर, आप दैट मींस ले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो ये जो मिड रिब होगा, ये मिड रिब होगा और इस तरह से नीम की पत्तियां अरेंज होती हैं, बोलो जी समझ में आ रहा है, ओके नाउ दिस इज कॉल्ड एज पिनेटली कंपाउंड, ठीक है, यस लीव्स आर अरेंज लाइक पिना अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू Each other. NCERT के जो एग्जाम्पल है सिर्फ मैं वही लिखा रहा हूं क्योंकि वही आपके एग्जाम में आने के लायक चांसेस हैं, ठीक है ना, ये जो मिड रिब है अब डिवीजन के बाद इसको हम लोग बोलते हैं रैचिस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग रैचिस, अब डिवीजन के बाद इसको हम लोग बोलते हैं यस रैचिस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या रैचिस, ओके एक बात और आप ध्यान दो ये आपको कौन सा प्लांट दिख रहा है, सॉरी कौन सा लीफ दिख रहा है, यस ये नीम है, ये आपका नीम है, ये आपका क्या है नीम है ना, अब यहीं पे एक पॉइंट और है यस पामेटली कंपाउंड लीफ देखें यहां पे सारा लीफ जो है एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन यहां पे कॉमन पॉइंट से ऑल द लीफ विल ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, इट्स लुक लाइक दैट इज लैमिना जो है, जरा इसको आप देखें डायग्राम, ये लीफ अगर सिंपल होता तो कैसा दिखता, सिंपल होता तो ये ऐसा बड़ा सा दिखता, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है इसमें सब में इनसीजन कंप्लीट तो ये ऐसा हो गया है यस पामेटली कंपाउंड लीफ दैट मींस एक बात और, ये जो लीफ ब्लेड नया बना है इसको हम लोग बोलते हैं लीफलेट और मिड रिब को हम लोग बोलते हैं यहां पे रैचिस, सो ऑल लीफलेट्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ऑल लीफलेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, बोलो हा या ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, कहां पे पाया जाएगा, एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी का सिर्फ याद रखना है, यस सिल्क कॉटन, इसको क्या बोलेंगे सिल्क कॉटन, चलिए सो हम लोग डायग्राम देख रहे थे कंपाउंड लीफ का, तो आप कंपाउंड लीफ का डायग्राम देख रहे हो, ये नीम का डायग्राम है, यहां पे देख रहे हो यस दीज आर द लीफलेट्स, लेकिन लीफलेट्स के एक्सिल में आपको एक्सिलरी बड नहीं मिलेगा, कई लोग पूछते हैं, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं उसके बाद हम आपको समझाते हैं क्या पॉइंट मैं कहने चाह रहा हूं, ये देखिए इस तरह से, और ये हो गया आपका रैचिस, ठीक है, और ये आप देख रहे हो एक कॉमन पॉइंट पे सारे लीफलेट्स जो है अरेंज है, नाउ लीफ और लीफलेट में क्या डिफरेंस है यस लीफ जो होगा, जो लीफ होता है यस उसके एक्सिल में एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बड, वही जो लीफलेट होता है उसमें कोई भी एक्सिलरी बड्स नहीं पाया जाता है, यहां पे एक्सिलरी बड पाया जाएगा एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज
लीफ एंड दिस इज लीफलेट, ये आपका लीफलेट है। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलोटैक्सी। यस फाइलोटैक्सी, यस फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी ना, फाइलोटैक्सी है क्या एक्चुअली, फाइलोटैक्सी है क्या? देखें देखें, फाइलोटैक्सी मतलब होता है यस अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी, इज नोन एज व्हाट? फाइलोटैक्सी इज नोन एज फाइलोटैक्सी। तीन तरह का अरेंजमेंट होता है, तीन तरह का होगा यस। एक होता है आपका अल्टरनेट यस, अपोजिट एंड थर्ड होल्ड, थर्ड होल्ड। ठीक है, यहां पर देखिए अल्टरनेट में क्या होगा, ये आपका स्टेम है, ये लीफ जो होगा आपका अल्टरनेट वे में अरेंज होगा, अल्टरनेट वे में अरेंज होगा। यहां पे क्या होगा, लीफ जो होगा यस एक दूसरे के अपोजिट होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अपोजिट अरेंजमेंट, लीफ अपोजिट अरेंजमेंट। यहां पे थर्ड में क्या होगा, होल्ड होगा, दैट मीन्स मोर देन टू लीव्स आर प्रेजेंट एट सिंगल नोड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, होल्ड। ठीक है, यहां पे क्या होगा लीव आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट वे। एग्जाम्पल आपका क्या क्या हो जाएगा आपका यस चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, सनफ्लावर सूरजमुखी हो गया, चाइना रोज आप जानते ही हो ना। अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट मतलब जो होगा एट द सेम नोड्स होगा। ठीक है, सिर्फ टू लीव्स, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं टू लीव्स एट सेम नोड क्या हो जाएगा, टू लीव एट सेम नोड क्या हो जाएगा, अपोजिट। एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस एंड ग्वावा, कैलोट्रॉपिस एंड ग्वावा। थर्ड, यहां पे क्या होगा, यस टू नहीं है, यस मोर देन टू लीव्स एट सेम नोड। ऐसा लगता है पूरा का पूरा एक होल्ड बना लिया है, पूरा का पूरा एक होल्ड बना लिया है। एंड इसका एग्जांपल होगा एल्स्टोनिया, एग्जांपल होगा एल्स्टोनिया। ओके, एल्स्टोनिया। ठीक है, नाउ फाइलोटैक्सी में क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। तीन तरह का होगा, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट में क्या होगा, एक दूसरे के अल्टरनेट वे में होगा, लेकिन एट सेम नोड्स नहीं होगा, अलग अलग नोड्स पे होगा। यहां पे क्या होगा, अपोजिट मतलब सेम नोड्स पे टू लीव्स प्रेजेंट होंगे। यहां पे क्या होगा, मोर देन टू लीव्स आर प्रेजेंट एट द सेम नोड। इसका एग्जांपल चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, इसका कैलोट्रॉपिस ग्वावा, और इसका क्या हो जाएगा आपका एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। ना आगे आते हैं लोग, डिस्कस करना है हमको यस मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स यस। तीन तरह का मॉडिफिकेशन पढ़ना है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। पहला मॉडिफिकेशन है आपका फोर क्लाइंबिंग, पहला मॉडिफिकेशन है आपका फोर क्लाइंबिंग। ठीक है, फोर क्लाइंबिंग। ठीक है, नाउ सेकेंड है आपका यस प्रोटेक्शन के लिए। थर्ड है आपका स्टोरेज के लिए। ये मॉडिफिकेशन आपने रूट्स में भी देखा था, यस यस।
स्टोरेज के लिए आपका स्वीट पोटैटो आपका एग्जांपल था, ठीक है ठीक है। फिर आपका टर्निप था, ओके। नाउ प्रोटेक्शन के लिए जो होता है, प्रोटेक्शन के लिए जो होता है यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। क्या प्रोटेक्शन होगा वो भी हम लोग देखेंगे। क्लाइंबिंग के लिए वहां पे आपने स्टेम ड्रिल देखा था, यहाँ पे आप देखोगे क्लाइंबिंग के लिए लीफ विल चेंज इनटू द टेंड्रिल, टेंड्रिल, और ये हेल्प करेगा किसमें, क्लाइंबिंग में, ठीक है क्लाइंबिंग में। आप देख रहे हो यस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द यस टेंड्रिल। जिस गांव में घूम रहे होंगे, जिस गांव में गए होंगे उनको ये पिक्चर याद आ रहा होगा। ये किसका पिक्चर है, यस ये किसका पिक्चर है, ये पीस का पिक्चर है, यस ध्यान में आ रहा है। ये किसका पिक्चर है, यस पी प्लांट का है, पी प्लांट का है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यहां पे लीव्स मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस, स्पाइंस कहां पे पाया जाता है, यस ये पाया जाता है यस जेरोफिटिक प्लांट्स में, जेरोफिटिक प्लांट में। अब एक बात बताइए प्रोटेक्शन कैसे हुआ जेरोफिटिक प्लांट में, जेरोफिटिक प्लांट में देखें, जेरोफिटिक प्लांट में दैट मींस डेजर्ट में रहता है, जेरोफिटिक प्लांट मतलब होता है डेजर्ट में रहता है। टू डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, rate of transpiration leaves are modified into leaf changes into the spine, spine हो गया मतलब पतला सा हो गया, that means उसमें क्या है, spine में change हो गया, that means उसमें क्या है, yes उसमें surface area बहुत कम है, transpiration बहुत कम हुआ क्योंकि लीफ में ही स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, और ये स्टेम मॉडिफाइड हो गया ग्रीन कलर में टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, दैट मींस जो लीफ का काम था फोटोसिंथेसिस करने का वो स्पाइन में चेंज हो गया और स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। कहां पाया जाएगा ये, कहां पाया जाएगा ये, यस कैक्टस में, यस कहां पाया जाता है, कैक्टस में, स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है। आप देखे होंगे यस यस गार्लिक में, गार्लिक में या ऑनियन में, ठीक है ऑनियन में लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज। इनका आपने आपका पत्ता देखा होगा, यस क्या होता है, यस इसमें लीव जो होगा मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज, ठीक है। कुछ और एक प्लांट है, कुछ और एक मॉडिफिकेशन है जो कि स्पेशल मॉडिफिकेशन आपको याद रखना है, यस इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है यस इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये आप देख रहे हो, ये आपका यस पिचर प्लांट है, ठीक है पिचर प्लांट है। नाउ और ये वीनस फ्लाइट रैप है। लीव्स मॉडिफाइड to capture insects, ये insects को capture करने के लिए modify हो जाता है और ये capture करने के बाद digest their nitrogenous compound, digest their nitrogenous compound, उनका nitrogenous compound जो होता है, उनका जो nitrogenous compound होता है उसको वो digest कर लेता है। Yes, leaves are modified to capture the insects और उनका nitrogenous compound को digest करके absorb कर लेता है, ठीक है। Source of nitrogen, insects को trap कर लेता है, जैसे ही chemotrophic movement होता है, actually होता क्या है, ठीक है, जैसे ही यहां पे इंसेक्ट आता है ये लीफ क्लोज हो जाएगा, यस लीफ क्लोज हो जाएगा, जो लीफ आप देख रहे हो क्लोज हो जाएगा और उसको फिर इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके उसका नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां पे भी क्या होता है, लीफ इतना स्लिपी होता है, यस जैसे यहां बैठता ही फॉल कर जाता है, ठीक है। ये पिचर प्लांट है और ये आपका वीनस फ्लाई ट्रैप है। नाउ और एक आप देखो यहां पर क्या हो गया है, यहां पे लीफ का स्टॉक, ठीक है लीफ का स्टॉक स्टॉक ऑफ द लीफ जो है, पेटियोल जो है वो मॉडिफाइड हो गया है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। कहां पाया जाता है, एकेशिया में, ध्यान रखना
एकेशिया में। इस तरह से हमारा लीव्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग देखेंगे फ्लावर। ओके, सो कंप्लीट करिए इसको, नोट्स बना के फटाफट, और सारा एग्जांपल जो है वो याद करना।